जो आज अपना टॉपिक है वो आज अपना टॉपिक है एरेज। लाइक जो अपन अगर अपन सिंपल गल करिए, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो उस दिल्ली सानू तीन वेरिएबल्स की जरूरत है, एन वन एन टू ते एक सम एस, ठीक है, जिस पर सम करना है। अगर एडिशन ऑफ फाइव नंबर करना है फिर वेरिएबल चाहिए सानू सिक्स, अगर एडिशन ऑफ टेन नंबर करना है वेरिएबल चाहिए इलेवन, अगर एडिशन ऑफ हंड्रेड नंबर करना है वेरिएबल चाहिए 101। हूँ इन्ने वेरिएबल्स बनाने का बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये नहीं भी बन नहीं सकते, मतलब बन तो सकते हैं, ये तो हो सकता भी आप इन्ने वेरिएबल्स बना लिए, बट फिर भी वो जो प्रोसैस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस भी है, तो काफ़ी लेंथी प्रोसैस हो जाता है, ठीक है। हूँ इंस्टेड ऑफ कि आप इन्ने वेरिएबल्स क्रिएट करिए, हंड्रेड वेरिएबल्स क्रिएट करिए, आप की करते हैं एक एरे क्रिएट कर लेने हैं। एरे की है कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, जो आपा सी सी प्लस प्लस पढ़िया, बट पीएचपी दे विच जो एरे दे विच अपने सिमिलर भी हो सकते हैं ते डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब आपा उस दे विच स्ट्रिंग्स वगैरह ते जे आपा कि ये नंबर ते स्ट्रिंग दा कंबीनेशन भी बना सकते हैं, जिवें मल्टी डायमेंशनल एरे च आपा एक अद्धी एग्जांपल करके देखांगे, ठीक है ना। लाइक भी जरूरी नहीं है भी सिमिलर ही होन, ठीक है ना, बट जो एरे डेफिनेशन है वो की कहती है भी एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कॉन्टिन्यू मेमोरी लोकेशन, मतलब इकट्ठी मेमोरी लोकेशन च होने चाहिए एरे, ठीक है। जो अपना पीएचपी है उस दे विच अपने सिमिलर ते डिफरेंट दोनों डाटा टाइप्स, अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स के भी अपने को एलीमेंट्स हो सकते हैं। हूँ जिथे आप गल करते सी हंड्रेड एलीमेंट्स की जगह आप एक एरे ही क्रिएट कर लिया, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर मैं पर्टिकुलर कोई 73 74th एलिमेंट देखना है, अगर अपने को 100 एलिमेंट वेरिएबल्स पे है अपन नु याद ही नहीं रहना भी 73rd वेरिएबल केड़ा सी 74th केड़ा सी, एरे दे विच अपना वो भी ईजी हो जाता है यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यू। जो इंडेक्स है वो कितों स्टार्ट होंगे अपना जीरो तो, मतलब अगर 10 एलीमेंट्स है तो इंडेक्स कितों होगा अपना जीरो तो लैके 9 तक, अगर 100 एलीमेंट्स है तो जीरो तो लैके 99 तक, मीन्स अगर मैं 73rd एलीमेंट चाहिए तो मेरा इंडेक्स की होगा 73rd का 72, क्लियर है ना। ये चीज़ की है अपना एरे, एरे की है जे आप गल करिए भी अपने एक डेटा टाइप के विच जा एक वेरिएबल दे विच आप एक तो ज़्यादा चीज़ा स्टोर करनी है, ठीक है ना, एक तो ज़्यादा चीज़ा आप स्टोर करनी है एक वेरिएबल के अंदर। लाइक हूँ अगर आप डेफिनेशन की गल करिए, एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर वन और मोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज इन ए सिंगल वैल्यू, मतलब एक वैल्यू दे विच एक तो ज्यादा वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं कि दे विच एरे दे विच, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू स्टोर 100 नंबर्स, देन इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 100 वेरिएबल्स इट इज ईजी टू डिफाइन एन एरे ऑफ 100 लेंथ, मतलब 100 वेरिएबल की जगह आप एक वेरिएबल ही क्रिएट कर लेंगे जिसकी लेंथ आप 100 लिख लेंगे, ठीक है, वो ईजी की हो जाएगा भी सानू उन्ने वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पेगी, भी ये नहीं है भी आप 100 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत पै रही है, वेरिएबल आप एक ही बनावे, ठीक है, उस दे विच अपने एलीमेंट्स जो है वो आप किन्ने लिख सकते हैं, वो आप एलीमेंट्स जो है उस अपने 100 स्टोर हो सकते हैं। यही जो है अपनी जे आप गल करिए मेन जो एरे की है एप्लीकेशन है भी एक वेरिएबल दे विच आप एक तो ज़्यादा तरह दियाँ जा एक तो ज़्यादा एलीमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। हुण जो पीएचपी है अपनी उस दे विच तीन मेन तरह के अपने को एरेज होंगे है, ठीक है ना, इस दे विच पीएचपी दे विच तीन मेन तरह के है। फर्स्ट नुमैरिक एरे, नुमैरिक एरे का मतलब जेड़ा वो इंडेक्स है वो की होगा नुमैरिक वैल्यू होगी, ठीक है, मीनस नुमैरिक एरे का मतलब की है, इसका मतलब ये नहीं है भी उस वैल्यू नुमैरिक होगी, इसका मतलब है वो इंडेक्स नुमैरिक होगा,
जिमें आप हूँ एग्जाम्पल देख के हटे हैं भी अगर 10 है तो उसका इंडैक्स की चल रहा 0 तो लैके 9 तक चल रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ की है न्यूमेरिक एरे है जिस दे विच आपां अपना की है जो इंडैक्स है वो की हुंदा है अपना न्यूमेरिक वैल्यू हुंदी है। तो सैकेंड जो है एसोसिएटिव एरे, इस दे विच जो दा इंडैक्स है वो की है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किवें हुंदी है वो भी आपां अगे एग्जाम्पल च देखांगे जो उसका फायदा की है। जिवें हुण आपां कह रहे हैं ए 0 इस ते फर्स्ट एलीमेंट है, ए 1 इस ते सैकेंड है, ये तो वो न्यूमेरिक है। की न्यूमेरिक की जगह पर मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता? यस, आप एवं लिख सकते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिक की जगह पर आप लिख लिए स्ट्रिंग इंडैक्स भी हो सकता है। वह कुछ फायदे भी होंगे, कुछ लिमिटेशन भी, वो आप अगे जाके देखते हैं। जो थर्ड है वह की है मल्टी डिमेंशनल एरे जिस नाल तुसी फैमिलियर ही हैं, जिस दे विच की है एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज। एक एरे दे विच कुछ वैल्यूज है, कोई ऐसा एरे जिस दे विच कलेक्शन ऑफ एरेज हो, ठीक है, वो की हो गया अपना मल्टी डिमेंशनल एरे। क्लियर है ना, एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज एंड वैल्यूज जिस दे विच की है। जे आप सिंपल आप एग्जाम्पल कहीए या सिंपल आप डेफिनेशन कहीए, इन पी एच पी वैन वी हैव कलेक्शन ऑफ एरेज इन ए सिंगल एरे इट इज नोन एज मल्टी डिमेंशनल एरे। आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तो, न्यूमेरिक एरे। These arrays can store number, strings and any object. इस दे विच जरूरी नहीं भी नंबर होगे, नंबर भी हो सकते, स्ट्रिंग भी हो सकते, कोई होर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट देयर इंडैक्स विल बी रिप्रजेंटेड बाय नंबरस। पर जिहड़ा उन्हां दा इंडैक्स है वह की होगा नंबरस दे विच ही रिप्रजेंट होगा। बाय डिफॉल्ट जिहड़ा इंडैक्स है वह कित्थों स्टार्ट होंदा है? अपना 0 तो। ठीक है, जिहड़ा इंडैक्स स्टार्ट होंदा वह कित्थों स्टार्ट होंदा? 0 तो। हुण पी एच पी दे विच इंडैक्स एरे क्रिएट करने लई साडे कोल एरे फंक्शन है। क्लीयर है, मतलब आपां कोई भी एरे क्रिएट करना है उस दे लई सानूं केड़ा फंक्शन यूज करना पैना? एरे। एरे फंक्शन दी हैल्प दे नाल आपां एरे क्रिएट करदे हां पी एच पी दे विच। लाइक आपां एग्जाम्पल देखिए, एक कोई भी वेरीएबल डॉलर आना है, डॉलर नंबरस, एक वेरिएबल क्रिएट किया नंबरस इज इक्वल टू एरे, दैन उस वैल्यूज पाती 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस मीनस की है नंबर की है साडा वेरिएबल का नेम। अगर आप गल करिए नंबर नंबर 0 च की आ गया अपना 1, नंबर 1 च की आ गया साडा 2, 2 च की आ गया 3। ठीक है ना, इस तरीके स्टोर हो रहे हैं वैल्यूज। आप इस तरीके भी कर सकते हैं अलग अलग लाइन के। सिमिलरली मैं लिखा डॉलर एस एरे दैन स्ट्रिंग्स वैल्यू पाती हैं। हूँ जे आप गल करिए नेम 0 ते की है, नेम 0 ते की है राज, नेम 1 ते की है अंजू, नेम 2 ते की है अनिल, नेम 3 ते की है देव। ठीक है ना, ये चीज़ की है। हूँ जिहड़े जिहड़ा इंडैक्स है वह तो अपना 0 1 2 3 हो ही है। क्लीयर है ना, दोनों केस दे विच जो वैल्यूज़ है वह अलग अलग है। इस दे विच वैल्यूज़ की है, इस दे विच वैल्यूज़ न्यूमेरिक है, इस दे विच वैल्यूज़ की है स्ट्रिंग्स है। ठीक है ना, उस वैल्यूज़ न्यूमेरिक है, उस की अपनी स्ट्रिंग्स है। हुण इस चीज़ की आप एक पहला एग्जाम्पल बना लें फिर आप नैक्सट टाइप पर जाने। लाइक php डॉलर ए एरे 1 2 3, 1 2 23 4 2 44 कुछ वैल्यूज पा लिया। ठीक है, आप इसनों सिंपल भी प्रिंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, कितने तक किन्ने तक होने चाहिए हैं डॉलर आई लैस दैन इक्वल टू, अगर आप गल करिए 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 एलीमेंट्स है, दिस मीनस कितने तक जाएंगे 5 तक। डॉलर आई इज इक्वल टू डॉलर आई प्लस 1 प्रिंट ए ऑफ डॉलर आई, जिमें आप सिंपल प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना,
मतलब एक लूप लगाई अपनी, दैन आप उसनों की किया प्रिंट किया। ये जो सा प्रोग्राम है 7 नंबर PHP 7, ठीक है। उस दे विच की उन्हें सारिया वैल्यूज प्रिंट करती हैं। हूँ अगर अपन स्पेस चाहिए है फिर आप इतने स्पेस भी दे सकते हैं इस तरीके, ठीक है ना। भी वो एलीमेंट्स प्रिंट हो गए अपने को जेडे उस दे विच है। हूँ एक एक सिंपल लूप है 0 तो लैके कितने तक है 5 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने साढ़े को 6 है। जो अगर 6 नंबर ऑफ एलीमेंट्स है दिस मीनस लूप वेरी करूगी साड़ी 1 तो लैके सॉरी 0 तो लैके 5 तक। हूँ इस दी जगह पर जिमें आप गल करते हैं भी अपने को एक फॉर लूप के नाल आप एलीमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। ये मैं थोड़े चैट के पेस्ट भी कर रहा, ठीक है, सो दैट तुसी उसनू ईजीली कॉपी कर लियो बाद विच, है ना। हुण एक तो है अपने कोल फॉर लूप, एक है अपने कोल फॉर ईच लूप आप एरे दे विच काफ़ी यूज करते हैं, बिकॉज इस दे विच की अगर नंबर ऑफ एलीमेंट्स वध घट रहे हैं सानू प्रॉब्लम नहीं, अपने आप ही मैनेज करूंगा, है ना। ए की है एरे है, आई की है एक एलीमेंट है, पहला एलीमेंट आई च गया वो आई प्रिंट हो गया, फिर ए का सैकेंड एलीमेंट गया फिर वो प्रिंट हो गया, फिर थर्ड एलीमेंट कदों तक जाते रहेंगे जदों तक ए खत्म नहीं हो जाता। फॉर ईच एलीमेंट ऑफ ए जो आई की वैल्यू है वह की होगी ए ए का एक एलीमेंट की वैल्यू, तो उसनों आप प्रिंट करते हैं, ठीक है। ए की अपने को जोड़ा आप गल करते हैं सिंपल जो आप एरे के थ्रू जा सॉरी फॉर ईच लूप के थ्रू यूज कर लिया। ठीक है, तुसी बाद विच इस तों कॉपी कर लियो। फॉर ईच लाइक जिवें आप गल कर रहे हैं एलीमेंट सिंपल है, एक अपने कोल होर मैथड भी है प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर ए। इस दे नाल भी एरे साडा प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। प्रिंट आर मैथड के नाल सारा एरे का ए टू जेड जो भी एरे है, जो सिंपल एली सिंपल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, बट आप मेनली इनू एरे दे एरे लिए ज़्यादा यूज करते हैं। एक आप प्री फॉरमैटिड टैग जो होंगे वो यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग दे विच ते एंड दे विच क्लोज करना है आप प्री फॉरमैटिड टैग, उस दे नाल की है अपना जो एरे है वो एरे दी फॉर्म च प्रिंट हो गया, ठीक है ना। ये भी एक वे है एलीमेंट नू प्रिंट करन दा, ठीक है। एरे दी जो वैल्यूज प्रिंट करनी है ये भी एक वे है, इको दे नाल करो तुसी ज़्यादा उसनू आपां कहीए कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल्ड वे नाल कर सकते हैं, बट ये भी एक वे है जो आप एलीमेंट्स प्रिंट करने हैं। लाइक जिवें आपां कहा भी एरे जरूरी नहीं है भी अपने कोल इंटीजर वैल्यू ही होणगियां, इस दे विच तुसी नेम भी पा सकते हैं। लाइक आप लिखता अनिल, जिवें आप गल कर रहे सी देव अंजू मनु, ठीक है ना, वो सिंपल उस तरीके आप प्रिंट किया जा सकता, क्लीयर है ना। चाहे इनू आप लूप के नाल प्रिंट कर लो, चाहे प्रिंट आर नाल कर लो, चाहे जिवें आप गल की थी फॉर ईच के नाल प्रिंट कर लो। यह वे है सिंपल एरे नू जदों आपां प्रिंट करना है, ठीक है ना। लाइक जदों आपां सिंपल एरे नाल जिवें आपां गल कीती जदों फॉर ईच च करांगे तां वी उही वे है, 1 by 1 की होणगे अपने एलीमेंट्स जो है वह प्रिंट होंदे जाणगे। हुण इह तां सी अपना सिंपल एरे, ठीक है। दैन जो मेन इस दे विच जे आपां कहीए बाकियां नालों मतलब काफ़ी लैंग्वेज अजकल तां हुंदा एसोसिएटिव एरे, पर जे आपां C++ दे अकॉर्डिंग देखिए एसोसिएटिव एरे एक अलग है। इस दे विच की है जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर की दे अकॉर्डिंग स्टोर हो रही है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की जगह पर आप इंज कह दें भी उसे की वैल्यू है या जो इंडेक्स है वो एज ए की है, एक की दे अकॉर्डिंग स्टोर होगा। द एसोसिएटिव एरे आर वेरी सिमिलर टू न्यूमेरिक वैल्यू इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी बट दे आर इन डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर इंडेक्स। एसोसिएटिव एरे विल हैव देयर इंडेक्स
एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। जो एसोसिएटिव एरे है उस जो इंडेक्स है वो किवें हुंदा है, एज ए स्ट्रिंग हुंदा है उस दे विच। जिहड़ी ओह है जिवें आपां कहीए जिहड़े इंडेक्स है उसनों आपां वर्ड की यूज करदे हां की, एक हुंदी वैल्यू एक है की। जिवें हुण आपां डिक्लेयर कीता डॉलर ए इज इक्वल टू एरे, पहला आपां सिंपल वैल्यूज पाती सी 22 23 32 18 एंड सो ऑन, ठीक है। हुण ए तां हो गया अपना सिंपल न्यूमेरिक एरे, पर जे मैं इस नूं नाल एक स्ट्रिंग पा दा जिवें राज इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट 22, अनिल इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट, देव इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट, मनु, ठीक है, इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट। दिस मीन्स इस 22 का इंडेक्स की है राज, जा की है राज। 23 का इंडेक्स की है अनिल, 32 का इंडेक्स की है देव, मनु जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी है 18। ये की अपना एसोसिएटिव एरे। इस दे विच हुण आपां ये नहीं कहांगे भी 22 जीरो पोजिशन पर है, 23 फस्ट पोजिशन पर है, 32 सैकेंड पर है, या दो नंबर इंडेक्स पर है, 18 जो है थर्ड नंबर इंडेक्स पर, ऐसा नहीं है। हुण ये की 18 कित्थे है, मनु नेम दे इंडेक्स पर है, ठीक है ना। मनु इज़ ए की, 18 इज़ ए वैल्यू। इसनों आपां बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। आपां एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। प्रिंट ए एरे राज 22, अनिल 23, देव 32, मनु 18। हुण ए 22 दी जे आप कही वैल्यू की है, सॉरी जे आप कही इंडेक्स की है, इंडेक्स की है इसका राज। हुण मैं इत्थे सिंपल आप प्रिंट करिए ए, जे आप ए प्रिंट करांगे, ठीक है ना, जिवें आपां दस्सिया प्रिंट आर दे नाल आपां वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। यह है अपना प्रोग्राम नंबर 10, ठीक है। राज 22, अनिल 23, देव 32, मनु 18। प्री फॉर्मेटी टैग लगा लें इस दे विच, इको इको रन, ठीक है। इस वेच आ गया। अगर आपां पर्टिकुलर एक एलीमेंट, कोई पर्टिकुलर एलीमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो उस दे लिए आपां सिंपल तुसीं इको भी लिख सकते हैं, जां प्रिंट भी लिख सकते हैं। जिवें मैं हुण एक चीज़ देखो, जदों मैं सपोज मैं फस्ट एलीमेंट प्रिंट करना है, मैं लिखता इको डॉलर ए जीरो, ठीक है। जीरो ते की है जिवें 22, आप इसे रन करके देखिए, ठीक है। हुण की एरर है, भी उन्हों कोई जीरो इंडेक्स मिले ही नहीं, जीरो इंडेक्स तो उत्थे है ही नहीं। हुण उहदा इंडेक्स की है, राज है, जां की वैल्यू की है, राज है। हुण आपां राज ते क्लिक करके जदों आपां लिख के चलावांगे, हुण प्रिंट होगा की 22, ठीक है ना। भी अगर पर्टिकुलर सिंगल एलीमेंट चाहिए है, फिर आपां फॉर ईच नाल भी कर सकते हैं, प्लस आपां पर्टिकुलर जो की वैल्यू है उस नाल भी कर सकते हैं। इसका फायदा की है, जी हुण जे आपां कहीए 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स की आपां एज स्टोर करनी है, आपां सिंपल उन्हां दे नेम दे नाल एज स्टोर कर लांगे इस तरीके नाल, ठीक है। हुण राज दी एज प्रिंट करनी है, एज राज, अपने आप ही राज दी एज प्रिंट हो जूगी। आपां करनी है अनिल, अनिल दी एज, अनिल दी एज प्रिंट हो जूगी। मतलब सानू बहुत ज़्यादा फाइंड नहीं करना पऊगा भी अनिल दा इंडेक्स किन्ना आ, उस इंडेक्स दे वैल्यू केड़ी है, ऐसा कुछ करन दी जरूरत नहीं। डायरेक्टली अनिल दी की है एज, जदों आपां अनिल लिखांगे अनिल दे अकॉर्डिंग उसकी एज प्रिंट होगी 23, ठीक है ना। प्री दे विच आपां लिखांगे एज, दैन उस दे अकॉर्डिंग
उसकी एज प्रिंट हो। क्लियर है ना, जो अपना एसोसिएटिव एरे है फिर रिपीट कर रहे हैं, एसोसिएटिव एरे सिमिलर है न्यूमेरिक एरे की तरह, डिफरेंस की है न्यूमेरिक एरे दे विच जो इंडेक्स है वो नंबर की फॉर्म च होंदा है, बट जो अपना एसोसिएटिव एरे है इस दे विच जो इंडेक्स है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होंदा है, जिसनों आपां की कहने हैं की, ठीक है ना। इस दे विच जो आपां की एसोसिएटिव एरे बेसिकली कंबीनेशन है कीज ते वैल्यूज का। दैन मल्टी डिमेंशनल एरेज नाल तुसीं फैमिलियर ही हैं। मल्टी डिमेंशनल एरे ईच एलीमेंट इन द मेन एरे कैन आलसो बी एन एरे, मतलब एक एरे जो आप क्रिएट करते हैं जिवें डॉलर ए इज इकल टू एरे, इस तरीके आप एरे क्रिएट करते हैं। हुण जिहड़ा ये एलीमेंट्स है ये अपने आप दे विच ही एरे है। पहला तो आप सिंपल लिखता सी 1, 2, 3, 4 मतलब सिंपल वैल्यूज है। हुण ये जिहड़ा एक एलीमेंट है ये अपने आप दे विच कंप्लीट एक की है एरे है। लाइक मैं डिकलेयर किया डॉलर ए एरे, इस दे विच जिहड़ा फस्ट एलीमेंट हो की एक एरे है कोलैक्शन ऑफ 1, 2, 23, 4, 2, 44 सैकेंड वैल्यू, फिर एक एरे है थर्ड भी है वैल्यू, दैन नैक्सट जो है वह भी एक एरे है। इसका बेसिकली फॉरमैट उ है डॉलर ए 00 00 तो की है फस्ट रो फस्ट एलीमेंट। अगर मैं लिखता डॉलर ए 2 1 2 का मतलब थर्ड रो, 1 का मतलब सैकेंड कॉलम, फस्ट सैकेंड थर्ड थर्ड रो सैकेंड एलीमेंट, यानी कि इतने की प्रिंट हो जाएगा साढ़ा 32 इस केस के, ठीक है ना। थर्ड रो का 1 का मतलब की है 0 1 यानी कि सैकेंड एलीमेंट। क्लीयर है ना। आप लूप्स भी लूप सिंपल लगा सकते हैं, फॉर आर डॉलर आर की लूप लगा लो, एक फोर डॉलर सी की लगा के उसनों प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जां आपां इसनों प्रिंट कर सकते हैं फॉर ईच दे नाल, फॉर ईच दे विच सिंपली ओही है जिहड़ा फस्ट एरे है। जे आपां गल करिए जिहड़ा अपना फस्ट एल जो अपना फस्ट एरे है जिहड़ा मेन एरे है, मेन एरे की है अपना ए, जो ए है वो आपां किस च पाता है, मतलब वो जो फस्ट एलीमेंट है ए का वह किस पा लिया, फस्ट एलीमेंट पर पा लिया ए का आर दे विच। फस्ट एलीमेंट का मतलब की है मेरा फस्ट एरे। हूँ यह एलीमेंट एलीमेंट किस आर च, आर का फ आर मैं फिर लूप लगा ली, उसका एक एक इंडिविजुअल एलीमेंट मैं किस पाई गया सी दे विच, वो सी दे विच की आई गया प्रिंट हो गया। जां इत्थे तुसीं सिंपल फॉर लूप भी लगा सकते हैं आर इज इकल टू 0 to 4 या 0 to 5 जिन्हें भी है, सिमिलरली जी सी इज इकल टू 0 to 4 या 0 to 5। फॉर ईच का फायदा की है, सानू उसके एलीमेंट्स नू याद रखना नहीं पैंदा किन्ने है, जिवें आपां इक कीता डॉलर ए एरे फस्ट एलीमेंट सैकेंड एलीमेंट थर्ड एलीमेंट फोर्थ एलीमेंट, ठीक है। उसनू कीता है फॉर ईच ए एज आर, इस आर का मतलब की है फस्ट पूरी रो, ठीक है, पहली जड़ी पूरी रो, इस पूरी रो नू फर्दर आप इंडिविजुअली करके प्रिंट कर लिया। दैन आप इसनों रन करके देखते हैं प्रोग्राम नू। ठीक है, इस तरीके प्रिंट हो गए। फॉर ईच का फायदा की है, सपोज एक च एलीमेंट घट है कुछ, ठीक है, उस उन्ने एलीमेंट्स घट आ सकते, जरूरी नहीं है भी जिमें आप C++ मैट्रिक्स की फॉर्म के नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप कही भी हरेक रो के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे सी, जावा के फैसिलिटी है इन फॉर्म ऑफ जैक डेरे जिस दे विच अपने हरेक रो के नंबर ऑफ एलीमेंट्स वेरी कर सकते हैं। सिमिलर इस दे विच भी ये भी नहीं जरूरी भी जो सारे का डेटा टाइप आप सेम रखना है, ठीक है, कुछ अपना अलग अलग भी लग सक दिख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग है कोई इंटीजर है कोई फ्लोट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग साड़ियाँ वैल्यूज भी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। जिमें सपोज सीरियल नंबर 1 नेम अनिल, रोल नंबर 24 एज 18
रोल नंबर सेकंड, रोल नंबर थर्ड, सॉरी सीरियल नंबर, देन उन्हों का रोल नंबर 25, 26, 27, फिर उन्हों की एज होगी 22, 21, 24, ठीक है, प्रिंट करेंगे। सिंपल उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहा है। अगर इसको आप थोड़ी ही अगर आप मॉडिफाई करिए, सपोज आप इतने टेबल टैग स्टार्ट कर लिए, अगर आप इसको टेबल की फॉर्म से प्रिंट कर लिए, इको टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू टू, ठीक है, लास्ट दे विच आपां की करिए टेबल नू क्लोज कर लिए, टेबल टैग क्लोज हो गया है। ते जो अपनी हरेक रो तो हरेक रो जो है वो की है, बेसिकली एक अपने कोल टी आर है, हरेक रो की है टी आर है, हरेक रो तो बाद की होना है टी आर की होनी अपनी बंद होनी है, ते हरेक रो के अंदर जो है वो की अपना कॉलम है, मतलब उसनों आप किवें रिप्रजेंट करते हैं टी डी के नाल। टी डी नू क्लोज करना लाइक ऑप्शनल है, अगर क्लोज करना तो आप इतने कर भी सकते हैं, ठीक है। हुण की आ गया, वो किस फॉर्म च आ गया, अपने टेबल के फॉर्म च आ गया डेटा, ठीक है ना। मतलब उसनों अपने डिस्प्ले करने लिए आप जो है उस दे विच आप कि एच टी एम एल यूज कर ली, तुसी एच टी एम एल के नाल आप सी एस एस भी एम्बेंड कर सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं दो प्रोग्राम थोड़े कॉपी कर दिना, एक बार चैट दे विच, एक फर्स्ट की अपना एसोसिएटिव एरे, दैन नैक्सट की है अपना मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे दे विच की है जो अपनी प्रिंटिंग है उसनू तुसी किसे नू भी, जरूरी नहीं मल्टी डायमेंशनल, किसे नू भी जो हुण सैल स्पेसिंग दे दो, इस दे विच सैल पैडिंग दे दो, वो अपनी मर्जी आपां किवें उहनू किन्ना मॉडिफाई करना है, ठीक है ना, वो उस पे डिपेंड है। कोई कलर देना है बीजी कलर दे दो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना है उसके अकॉर्डिंग सैटिंग हो जूगी, रो नू कलर देना है, कोई पिक्चर देनी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है ना, भी आप उसको एच टी एम एल दे विच आप जिवें मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं उन्हों का डेटा। हाँ जी, इस दे जो अपने एरे है, इस एरे दे विच यही मेन टॉपिक है अपने कोल, भी तीन तरह के अपने कोल एरेज है, केड़े केड़े एरेज है। पी एच पी दे विच अगर आप गल की नुमैरिक एरे, दैन एसोसिएटिव एरे, तो मल्टी डिमेंशनल एरे। डिफरेंस बिटवीन नुमैरिक एरे एंड एसोसिएटिव एरे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम दे विच काफ़ी आ जाता है। बेसिक डिफरेंस की है अगर आप कहेंगे इस दे विच की है, जो नुमैरिक एरेज जो इंडैक्स है वो नंबर की फॉर्म च है, जो सेंसिटिव एरेज जो इंडैक्स है वो की है स्ट्रिंग की फॉर्म के, ठीक है। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के चैट के पूछ सकते।